यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, व्हाट इज द बिगेस्ट सरप्राइज ऑन दिस प्लैनेट अर्थ? युधिष्ठिर ने कहा, एवरीवन हैज टू डाई, मरना सबको है, मरना कोई नहीं चाहता। आज अगर यक्ष होते तो मैं बोलता उनको, खाना सबको है, उगाना कोई नहीं चाहता, दूध सबको चाहिए, गाय रखना कोई नहीं चाहता, है ना, पानी सबको चाहिए, कुओं को बचाना कोई नहीं चाहता। द वेरी वर्ड फार्मिंग, खेती सुनते ही क्या आता है मन में पहले रिएक्शन? मेरा जो अनुभव है उसमें मैंने पाया है कि लोग कोई भी हो, खेती माने समझता है मैंने नहीं करना, खाना छोड़ नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, खेती छोड़ दी हमने। मेरे गांव में तो मैं देखता हूं 40% घरों में ताला लगा, और कौन रह रहा है गांव में, जिसका बेटा शहर लेने गया उसको, या जो शहर में फिट नहीं हो सकता। 76% किसान भारत में बोलते हैं मुझे खेती नहीं करना, गिवन एन ऑप्शन आई क्विट फार्मिंग। इतनी ग्रीनरी हमने पैदा की और 3 जनरेशन से सिखाते आ रहे हैं हम कि एग्रीकल्चर इज बिजनेस ऑफ लॉस, खेती लॉस का धंधा है, धंधा बना दिया हमने, और हमने जब उसमें धंधा बनाया, बिजनेस बनाया, तो ग्रीड उसमें जुड़ा, और जब लालच लोभ जुड़ेगा तो एथिक्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा फॉर श्योर। भोजन के बिना कुछ नहीं मिल सकता, और जब भोजन बोलते हैं तो पानी इंक्लूडेड है उसमें, पहले नदी नाले तालाब कुआं ये सब था, उसमें क्या है, ओपन पिट है, छोटा या बड़ा, बारिश होगा तो पानी जाएगा जी, सीधा जाएगा ऊपर से, फिर बह के आएगा, धरती माता उसको क्लीन करेगी और फिर हमारे लिए अवेलेबल करेगी। तो डिमांड और सप्लाई मैच हुआ ना, इनकमिंग और आउटगोइंग। हम विकास कर गए जी, यू नो ओपन वाटर इज डेंजरस टू हेल्थ, द फर्स्ट लेयर इज हैविंग सो मच केमिकल, सेकंड लेयर इज सम अदर केमिकल, थर्ड लेयर कम ऑन विल गिव यू बोरवेल फॉर फ्री। बोरवेल में होता क्या, आप देखो एक पाइप डालते हैं, पानी उससे चूसते हैं, पानी उसमें अंदर जाता है क्या कहीं से, तो कट गया ना लिंक। सक करने का जो हमारा स्पीड था, जो पानी जो हम लेना शुरू किया धरती से, उसका यूज कम हुआ और बर्बादी ज्यादा हुई। पीने के लिए हम कम यूज करते हैं, बर्बाद अभी देखता हूँ मैं यहाँ पर बेंगलोर में, हफ्ते में एक दिन पानी आता है जी गर्मियों में, और जब पानी आता है तो मैं बताऊँ, लोग रोड धोते हैं, कुत्तों को धोते हैं, कार को धोते हैं, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुआ। और जब पानी के बर्बाद करने की बात आती है, वी हैव इनोवेटिव वेज, कम ऑन आई टेल यू, दिस खोपड़ी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट व्हेन इट कम्स टू वेस्ट समथिंग कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। आप जब छोटे थे, जब मैं छोटा था, तो पानी मिलता था लोटे में, फ्री में मिलता था, अभी कोई फ्री में देता नहीं, इसका मतलब बदल गया, अब है पानी, है ना, विकास हो गया हमारा, डेवलपमेंट। आई फील इट्स डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट समटाइम। एक किसान के खेत में, 6 एकड़ के खेत में 76 बोरवेल सारे सूखे हुए। Isn't it a biggest example to show you that you know the demand and supply is not matching when it comes to something called water that important? जब से शहर जाना शुरू हुआ, युवक सब शहर की ओर चले गए, जब से हमने बोलना शुरू किया कि एग्रीकल्चर इज बिजनेस ऑफ लॉस, दे सोल्ड एंड स्लॉटर्ड ऑल द काउस, नाउ द सिचुएशन इज लाइक अफगानिस्तान इन टर्म्स ऑफ वाटर, एंड इज द ग्लिम्स नेचर इज गिविंग यू द ग्लिम्स, और आप वेट कर रहे हैं कि हमारे दरवाजे पर जब वो हालत आएगी तब हम देखेंगे। इतने अच्छे लोग हम होंगे, जब मेरे सर में दर्द होगा तब देखेंगे सर दर्द क्या है, आपका सर दर्द, आपका सर दर्द, इज इट द साइन ऑफ यू नो गुड पीपल, आई टेल यू इज द फ्लिप साइड ऑफ आवर गुडनेस। भागीरथ को पता था कि पानी के बिना नहीं चलेगा, उन्होंने गंगा को धरती पे लाया और हमने गंगा को सुखा दिया। आप समझ रहे हैं, टांग में कुल्हाड़ी मार लीजिए, पता अभी भी दर्द नहीं हो रहा। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हवा, हवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और भगवान ने अभी तक टैक्स नहीं मांगा उसके, और हमने क्या किया उसके साथ, इतना बर्बाद करा कि हमारा पड़ोसी चाइना खरीदता है सिलेंडर बीजिंग में। अब अगर सिलेंडर से, ऑक्सीजन से ही हम चलने लगे तो फिर रिफिल किसका पहले, आपका कि मेरा, कि मेरी बीवी का, बच्चे का, हमारी आपकी भी कोई जिम्मेदारी है एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए। जब हम फोटो में टंग जाएंगे तो बोलेंगे, लुक एट दीज पीपल इन द वॉल, इधर दे डिप्लीटेड और पॉल्यूटेड एवरीथिंग बिफोर दे डाइड, एंड दे लेफ्ट अस विथ नथिंग बट 99% स्कोर, एंड व्हेन वी हैव द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, व्हेन वी कम बैक होम वी डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक। सांस मैं लेता हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि हवा को स्वच्छ रखूं, पानी मैं पीता हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि पानी का सोर्स बना रहे। पढ़े लिखे लोगों की बात है, उनको बताना पड़ रहा है जाके कि भाई
जल जागृति हम कर रहे हैं, नदियों के पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, चलो। सबसे सब कुछ संभव नहीं है आज की लाइफ में, तो मैं कहूंगा तन से नहीं हो सकता, मन से उतना कठिन नहीं है, धन से बिना पैसे के कुछ मूव नहीं होता, और नहीं कुछ तो उत्साह तो बढ़ाओ उसको। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था तो सारे लोगों ने अपना लकड़ी ये वो सब लगा दिया, उठाने वाला कोई और था, अपना कर्म, जिसने हाथ लगाया उसके कर्म शुद्ध हो गए, तर गया वो। तो जो तो गोवर्धन तो उठ रहा है जी, तभी इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आप भी लगा दो ना हाथ।